नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के भूल जो भुलाए ना बने पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर और अभ्यास दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दूसरा प्रश्न, अच्छी लिखावट कैसे बनाई जा सकती है? उत्तर, अच्छी लिखावट को चित्रकला सीखकर सुधारा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, मार खाने पर गांधी जी को किस बात का दुख हुआ? उत्तर, मार खाने पर गांधी जी को इस बात का दुख था कि वह दंड के पात्र समझे गए। आखिरी प्रश्न, व्यायाम के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर, गांधी जी का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है। आपका अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है, एकवचन शब्दों को बहुवचन रूप लिखिए। आंख आंखें, लड़का लड़के, आदत आदतें, कथा कथाएं, नदी नदियाँ, कमरा कमरे। अब आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो पहला है मंद जोर बुद्धि, मंद बुद्धि। दूसरा, छात्र जोर वृत्ति, छात्रवृत्ति। तीसरा, मुख्य जोर अध्यापक, मुख्याध्यापक। चौथा, लाभ जोरदायक, लाभदायक। पांचवा, चित्र जोड़ कला, चित्रकला। आपका आखिरी प्रश्न है, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा जिनसे गुण दोष अवस्था का ज्ञान होता है में बदलना है। तो पहला है जो किया हुआ है पहले से ही, कमरे की सजावट सुंदर है, तो सजाना शब्द का भाववाचक संज्ञा है सजावट। दूसरा है, सड़क की चौड़ाई नापो, यहाँ पर चौड़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा है चौड़ाई। तीसरा है, कम बोलने में ही भलाई है, भला शब्द का भाववाचक संज्ञा है भलाई। मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा है मोटापा। तो इसे आपको लिखना है। धन्यवाद।